सारा खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास। मेरा नाम सागर चौहान है, गंगा सहाय हाई स्कूल जटोली में स्थित है। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार देना चाहेंगे? मेरा हर किसी का अपना पर्सनल विचार होता है, पर मेरा जो पर्सनल विचार यही है कि शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए अभिभावक और स्कूल में टीचर दोनों की अहम भूमिका होती है। नैतिक मूल्यों में गिरावट, जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? नैतिक मूल्यों, जहां नैतिक मूल्यों की बात है वहां पे समाज, शिक्षक और अभिभावक तीनों की जिम्मेदारी बनती है अपनी अपनी जगह पे, और तीनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं और तीनों ही इन्हें संभाल सकते हैं और सुधार सकते हैं। यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? यौन शिक्षा हमारे पाठ्यक्रम में अवश्य आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को इसकी जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। छोटी लड़की होती हैं, उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि क्या यौन शोषण क्या है, इसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है इन्हें, क्योंकि छोटे बच्ची हैं जो हमारी, उन्हें पता नहीं होता यौन शोषण क्या चीज़ है, तो इसके बारे में यौन शिक्षा ही हमारा बेहतर उपाय है। आज प्राइवेट स्कूलों में फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। आप खुद एक प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, कहां तक इस बात से सहमत हैं? देखिए, स्कूली शिक्षा में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ये अपनी जो फीस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से रखते हैं, तो अपने सभी स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ही फीस रखते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी की ज़्यादा कम है। अपने हिसाब से जो जितनी फैसिलिटी देते हैं उसी हिसाब से उनकी फीस होती है। आज छात्र जीवन, छात्र दिनचर्या किस प्रकार से हो, इस पर कोई आप संदेश देना चाहेंगे? छात्र की दिनचर्या में सबसे पहले सुबह जल्दी जगना बहुत ज़रूरी है। जल्दी जगने से ही हमारे जो पुराने नियम है, हमारे पूर्वजों के नियम, जल्दी जगना और जल्दी ही सोना।